सीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, पश्चिम राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ए 30 नवंबर, बी 29 नवंबर, सी 1 दिसंबर या डी 14 दिसंबर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। बिहार में सुशासन का राज फिर नीतीश कुमार, पीएम मोदी ने दी बधाई। तीन चरण में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच राजद ने चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पूरे नतीजे घोषित हो गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक एनडीए ने 125 सीटें जीती है, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से तीन अधिक है। वहीं महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल की है। इस चुनाव में 75 सीटों को जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं 74 सीट जीतकर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी बन गई है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। बिहार विधानसभा चुनाव, भागलपुर से कांग्रेस, नाथनगर से राजद, गोपालपुर से जदयू की हुई जीत, कहलगांव पीरपैंती व बिहपुर में खिला कमल। भागलपुर जिले की 7 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर हुई। भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे को मामूली वोटों के अंतर से हरा दिया। गोपालपुर विधानसभा से जदयू प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल चौथी बार चुनाव जीत गए हैं। भागलपुर जिले की 7 सीटों की गिनती जब शुरू हुई तो महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, लेकिन समय के साथ सीन बदलता गया। 10 बजते ही सभी सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली। हालांकि जिले की 4 सीटों पर लोजपा ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा, लेकिन किसी भी प्रत्याशी को मतदाताओं ने स्वीकार नहीं किया। हर सीट पर महागठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर बनी हुई थी। महिला पॉलिटेक्निक में चल रही मतों की गिनती धीरे थी, जबकि जिले की 7 सीटों पर एनडीए आगे चल रही थी। सुल्तानगंज में जदयू और कांग्रेस के बीच बहुत अधिक वोटों का अंतर नहीं हुआ। भागलपुर, गोपालपुर, कहलगांव और बिहपुर में एनडीए का अंतर 1000 से ज्यादा का हो गया। महिला आईटीआई में जिले के सुल्तानगंज, कहलगांव और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती आगे पीछे होता रहा। प्रशासन की लचर व्यवस्था की वजह से वोटों की गिनती 9 बजे के बाद प्रारंभ हुई थी। काउंटिंग अपने अंतिम चरण में चल रही है और उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग प्रक्रिया चल रही है। सर, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, मतगणना भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गया सर? इसमें सभी आप लोगों का सहयोग है और सभी लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, यहाँ के सभी अभ्यर्थियों को, सभी राजनीतिक दलों को, पूरी पब्लिक को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और काफी शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मतदान की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपना सहयोग। क्या कहेंगे? देखिए, आज काउंटिंग अभी चल रहा है और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा है। जिस तरीके से चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा था, उसी तरीके से काउंटिंग बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा है। सभी लोगों से, खास करके जो चुनाव जिन्होंने लड़ा है या उनके समर्थक हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, शांति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल शांति। कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला सर चुनाव से लेकर अब तक, तो कितना कामयाबी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से भी कोई अप्रिय समाचार नहीं मिली है और इसमें मैं यहां की जनता को और यहां के जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं और सभी मीडिया बंधुओं को इसलिए मैं बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू।
हमारे प्रबंधन में हमारे मेहनत में कहीं चूक रही है उस तरह, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के इनका आईडी पकड़ लो, जो मैक्सिमम वोट था वो हमें मिला है, और जो हमारे प्रबंधन और मेहनत के कारण जो थोड़ा और अगर हम बेहतर कर लेते तो शायद आईजी अब परिस्थिति ना होती, लेकिन हमें खुशी है कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कारण है बताए तो, कि कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन और मेहनत में थोड़ा और बेहतर कर लेते तो शायद आप मान रहे हैं कि आपके पार्टी में सही से लोग एकदम बिल्कुल सही से लगे हैं। हम बताए कि हमारा प्रबंधन और हमारा मेहनत या स्वयं का इसके कारण थोड़ा जो कमी रह गई उसके कारण यह परिणाम देखना पड़ रहा है। इस चुनाव में लोजपा की भी कमी चली, देखिए स्वाभाविक है, जब परिवार का कोई हिस्सा रहता है और वह अलग होता है तो थोड़ा प्रभाव, लेकिन हमारा एनडीए का व्यापकता इतना है और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास के कार्य हैं उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि जिसके कारण की जो कमी है वह पूरी हो जाती है। कार्यकर्ता की लड़ाई थी, नहीं कोई भी रोहित जी कार्यकर्ता की लड़ाई थी, कहा जाता था एनडीए जो है यहाँ पर एकजुट है, कितना लगता है कि एनडीए उसी का परिणाम है ना कि हम 700-900 मत से जो है हम ये हुए हैं, तो इस नाते कितना वोट है 917,000 से। जिम्मेवारी मैं अपने प्रबंधन और मैं अपने स्वयं की मेहनत को लेता हूँ कि थोड़ा और अगर हम बेहतर थोड़ा मेहनत कर लेते हैं प्रबंधन को ठीक करना है तो परिणाम ठीक रहता है। चलिए, सोशल मीडिया पर चल रहा है ट्रेंड, गोपालपुर है तो गोपाल ही रहेंगे। भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि गोपालपुर है तो गोपाल ही विधायक रहेंगे। विगत 15 वर्षों से गोपालपुर विधानसभा से गोपाल मंडल का विधायक के नाम में एक पर्याय बन गया है। श्री मंडल की लगातार चौथी बार जीत को भाजपा जदयू के कार्यकर्ता ऐतिहासिक कह रहे हैं। नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने वर्ष 2015 में ही जीत की हैट्रिक लगाकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में गोपाल मंडल के अलावा अब तक ना कोई पार्टी और ना ही नेता हैट्रिक लगा पाया है। यह बात अलग है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मणिराम सिंह 3 बार और कांग्रेस के मदन सिंह 4 बार अलग अलग समय में विधायक रहे। हाँ, हम तो इशारा मिल गया, हम तो चुनाव जीत गए, जीत गए, हम तो चुनाव जीत गए। जीत का श्रेय किसको देंगे? हमारे नीतीश कुमार को दीजिएगा, आम पब्लिक को दीजिएगा। भगवा कलर बीजेपी का पट्टा दिख रहे हैं इस बार। अरे भाई गठबंधन में है तो भगवा कलर क्या कलर नहीं पहनते हैं, हर कलर मेरा रहता है। इस बार क्या प्राथमिकता काम का? नहीं नहीं, काम तो हम करेंगे, जो बचा खुचा काम है वो हम करेंगे सरकार की मदद से। क्षेत्र के लोगों को क्या आश्वासन दीजिएगा गोपाल मंडल? हर क्षेत्र के लोगों का आश्वासन दे दिए, लेकिन चूंकि पत्रकार जी सीनियर भाई है यहाँ पर मौजूद, हम ये बोले थे कि वही पुलिस जिला को जिला बनवाएंगे, काम कर रहे थे। एक प्राथमिकता और बता दीजिए चार को, पाँच मिनट में बताइएगा, खाली हम लोग को बता दीजिए। हम लोग को अब क्या बोले, एक प्राथमिकता हो गई जिला और चार प्राथमिकता बता दीजिए। चार प्राथमिकता, एक तो हाँ नहीं नहीं नहीं, ये उसको ढोलबज्जा को प्रखंड बनवाएंगे, दो हुआ और एक हुआ, एक इस गया जाह्नवी चौक पर ओवर ब्रिज बनवाएंगे, तेतरी चौक पर ओवर ब्रिज बनवाएंगे, ये हुआ। और तो बचा खुचा जितना बाढ़ वोड़ से कटाव वटाव का कुछ नहीं, कटाव का तो काम करते ही है, वो तो करवाएंगे, जहाँ भी काम है सबका प्रपोजल चुनाव के टाइम भिजवा दिए। बार जीते हैं मंत्री बनिएगा अगली बार। अब देखिए भाई, नीतीश कुमार जानते हैं काम तो की दावा तो अब पत्रकार लोग तंग करेगा भाई। हे देखिए हम बता देते हैं, सुनिए बतवा ये है, आरजेडी समय काल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सब साथ में थे, उस टाइम में हम गंगोता जाति में से एक ब्रह्मदेव मंडल को एक विभाग मिला था और ये महेश मंडल को खाद्य आपूर्ति विभाग दो मिला था। उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी भाजपा ये गठबंधन में, उसके बाद सुधा श्रीवास्तव जी हमारी गार्जियन दीदी है, उनको मंत्रालय दिया विभाग दारू वाला विभाग, और हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी को नगर विकास मंत्री बनाए, क्या क्या नहीं बनाए, बदलते रहे उनको, जो दो मंत्री तो यहाँ पर था, ये तो हक बनता है, हम अति पिछड़ा से आते हैं, हमारा हक बनता है। बीमा भारती को वो शपथ नहीं ले सकते, उनको मंत्री बनाता, हमको क्यों ना मंत्री बनाएगा भाई, इसलिए बीमा भारती को नहीं, कहने का मतलब ये
हम तो मंत्री, हम पटना में रहना ही नहीं चाहे कभी, तो हमको मंत्री कैसे, जो रहेगा वही ना मंत्री बनेगा। अब कह देंगे मुख्यमंत्री को, ये कह क्या है, कोनो बड़ा ऐसा पोस्ट हमको दीजिएगा, आपके समय काल में नहीं मिला तो कभी मिलवे देंगे, ये निश्चित मिलेगा। और कार्यकर्ता लोग अपना मांग करेगा, हम तो काम करने वाले, ऐसे भी हम मंत्री का दर्जा है, अरे सब सुविधा मंत्री का है, सचेतक है ना, सरकार तो हम लोग चलाते हैं, इसलिए इसमें कोई टूट नहीं होनी चाहिए, ये मंत्रालय मिलेगा माने मंत्री बनिएगा। नवगछिया नारायणपुर सीओ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, निजी चालक की गई जान, एक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के मददपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायणपुर सीओ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से निजी चालक बीरपुर थाना क्षेत्र के भंवरपुर निवासी सुनील शर्मा का पुत्र मनोज कुमार शर्मा 25 वर्षीय की जान मौके पर ही चली गई, जबकि वाहन पर बैठे चालक का भाई गुड्डू कुमार गंभीर रूप से घायल है, उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार नारायणपुर सीओ का चालक वाहन लेकर नवगछिया जा रहा था, वह नवगछिया में नारायणपुर सीओ को वाहन में बैठाकर भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रहे विधानसभा चुनाव के मतगणना में लेकर जाने वाला था, लेकिन नवगछिया पहुंचने से पहले ही वाहन हादसे का शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जहां से दोपहर बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्या घटना घटित हुई है? 5-4 बजे निकला था गाड़ी घर से लेकर, और पीओ साहब को लेने जा रहा था नवगछिया, और पॉलिटेक्निक कॉलेज जाते भोटा भोटी जिमने के लिए। तो प्रथम दृष्टि क्या लगता है, गाड़ी का वेग अधिक था या ओवरटेक करने से एक्सीडेंट हुआ? ये हमको पता नहीं। तो आपको पता कैसे चला? हमको, हम जा रहे थे, हम अपना गाड़ी लेकर। कब? आज सुबह निकले थे हम, यहाँ 5-6 बजे यहाँ आए टूल टैक्स की तरफ जा रहे थे। गाड़ी लेके कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था सीओ साहब को हमने के लिए नवगछिया। नवगछिया से फिर कहाँ लेके जाता है? भागलपुर। अच्छा, तो आप अभी कौन है ये आपका? मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई है, इसका घर? भंवरपुर। भंवरपुर। इसका क्या को बच्चा है? एक तो बेटा, एक बेटी है? लड़की है। शादी कब हुआ पता है आपको? अंदाज़ हो गया 2 साल। 2 साल। कब से गाड़ी चला रहा है? गाड़ी चला रहा है 10 साल से। 10 साल से नवगछिया में? नारायणपुर में चलता है। नारायणपुर मतलब ब्लॉक के, हमने ब्लॉक चला रहा है 4 साल से। अच्छा, इसके पहले कहाँ चलाता था गाड़ी? अच्छे गाड़ी चला, अपना गाड़ी था। देश में नरेंद्र और बिहपुर में शैलेंद्र के सूत्र वाक्य के साथ मैदान में उतरी थी। विगत दिनों सोशल मीडिया पर भाजपा कार्यकर्ताओं का फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल था, जिसे इंजीनियर शैलेंद्र की तस्वीर के साथ लिखा था, शैलेंद्र हैं तो मुमकिन है। एक और पोस्टर वायरल था, उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ इंजीनियर कुमार शैलेंद्र की तस्वीर थी, और तस्वीर पर लिखा था, देश में नरेंद्र और बिहपुर में शैलेंद्र। वास्तव में बिहपुर विधानसभा और भाजपा की राजनीति पर बात करें तो इंजीनियर शैलेंद्र का जिक्र सबसे पहले करना होगा। इंजीनियर शैलेंद्र ने पहली बार बिहपुर विधानसभा में भाजपा को जीत का चस्का लगाया। बड़ी मेहनत आपने की है, कोरोना काल में भी आपने मदद की है, नौजवानी से बचपन से जनता पार्टी का संस्कार कैसे बनता है। हम लोग हार के भी दिन रात क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं, इसमें हम कोई मेहनत नहीं की, मेरा संस्कार है। बीपुर की जनता को क्या दीजिएगा, क्या मांगेगा सरकार को? कोरोना काल में गरीब की बड़ी दिक्कत। हम लोग तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं, और विशेष हम आके तब आपको बताएंगे। मैं बता देता हूँ की ये ईश्वरेंद्र साहब थे और बीपुर से थे। मेरे युवाओं की, मेरी बहन की जीत है, मेरे अभिभावक, मेरे किसानों की जीत है। हम तो केवल निमित्त मात्र थे, हम कार्यकर्ता थे। जीत तो असल में मेरी माता का जो आंचल बिछाए बैठे थी 5 साल से, उस माँ की जीत, उस बहन की जीत, उस युवा साथियों की जीत। हमको आने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। रंगे झंडे में कुल कितने रंग हैं? जीएस न्यूज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के प्रतिभागी के लिए आवश्यक सूचना। जुलाई से अक्टूबर माह 2020 तक जीएस न्यूज पर न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सीजन 1 अगस्त, सीजन 2 सितंबर एवं सीजन 3 अक्टूबर के प्रतिभागी से निवेदन है कि वैसे प्रतिभागी जिन्होंने सभी दिनों के प्रश्न के उत्तर दिए हैं एवं वैसे जो प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं से निवेदन है कि
अपने उत्तर का स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप 9709894194 पर संपर्क पुरस्कार प्राप्त करें। कृपया ध्यान दें कि एक सीजन के लिए कम से कम 25 दिनों का उत्तर अनिवार्य है और पुरस्कार पाने हेतु जीएस कार्यालय नौगछिया आना अनिवार्य है। सूचना एवं जानकारी के लिए 9709894194 सिर्फ व्हाट्सएप। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नौगछिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जैसवाल 9709610052829294। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नौगछिया। अब आपके शहर नौगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9390467670। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नौगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने नौगछिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है ट्रेंड, गोपालपुर है तो गोपाल ही रहेंगे। भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि गोपालपुर है तो गोपाल ही विधायक रहेंगे। विगत 15 वर्षों से गोपालपुर विधानसभा से गोपाल मंडल का विधायक के नाम में एक पर्याय बन गया है। श्री मंडल की लगातार चौथी बार जीत को भाजपा जदयू के कार्यकर्ता ऐतिहासिक कह रहे हैं। नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने वर्ष 2015 में ही जीत की हैट्रिक लगाकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में गोपाल मंडल के अलावा अब तक ना कोई पार्टी और ना ही नेता हैट्रिक लगा पाया है। यह बात अलग है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मणिराम सिंह 3 बार और कांग्रेस के मदन सिंह 4 बार अलग अलग समय में विधायक। पूरा मुस्कुरा ससी भैया, थोड़ा सा ससी भैया, इधर तो घूम गजबे करते हो। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नौगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने नौगछिया। नौगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। अब आपके शहर नौगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9390467670। धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नौगछिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट,
सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जायसवाल 9709610058229299। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।